देश की 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम 7:15 बजे एनडीए गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। खास बात यह है कि ज्योतिषी पीएम मोदी के लिए निर्धारित शपथ लेने के समय को बहुत शुभ बता रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री के अनुसार स्थिर लग्न वृश्चिक और मीन राशि के नवांश की सुंदर कुंडलियों के साथ दो राजयोग मालव्य राजयोग और शनि केंद्र में कुंभ राशि में होने से शश नामक राजयोग के समय शपथ ली गई। वहीं चार ग्रहों सूर्य गुरु बुध और शुक्र की दृष्टि लग्न के लिए बलवान साबित रही और भाग्य स्थान में स्वय राशि का चंद्रमा बहुत ही कारक बना रहा, जो इस नवीन सरकार के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री के अनुसार यह सरकार देश के लिए जनता के लिए नए आयाम स्थापित करेगी और पारदर्शी सरकार देने का कार्य करेगी। वहीं स्थिरता के साथ अपने कार्यकाल को पूरा कर सकती है। विदेश में भारत की ताकत बढ़ेगी और विदेशी निवेश बढ़ने के योग बनेंगे। वहीं शपथ कालीन कुंडली के अन्य ग्रहों के बलाबल से पीएम मोदी चुनौतियों का सामना करते हुए एनडीए सरकार को सफलतापूर्वक चलाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार एवं चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी की राशि मित्रता भी इस सरकार की स्थिरता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है। हालांकि मोदी सरकार को मार्च 2025 तक कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देश प्रदेश की इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए महानगर टाइम्स के साथ।